भाई सर, आज की इस वीडियो के अंदर यार मैं आपको एक ऐसी एपीएन सेटिंग बताऊंगा जिससे जो यार आपका वोडाफोन का इंटरनेट है ना, काफी ज्यादा फास्ट चलने वाला। गाइस सही में यार बहुत ज्यादा फास्ट इंटरनेट वाली एपीएन सेटिंग आज मैं लेकर आया हूँ वोडाफोन की। और गाइस यार इससे पहले मैंने यार दो सेटिंग्स और डाली है भी रिसेंटली मैंने वोडाफोन की, यार वो भी काफी फास्ट इंटरनेट वाली एपीएन सेटिंग है। तो यार अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको मिल जाएगी, चाहो तो चेक कर सकते हो। और आज की इस वीडियो के अंदर भी आपको एक ऐसी फास्ट इंटरनेट वाली एपीएन सेटिंग बताऊंगा, क्योंकि गाइस यार जो वोडाफोन का इंटरनेट है ना यार काफी ज्यादा स्लो चलता है, जिससे यार भाई जो नेट चलाता है ना यार उसको काफी दिक्कत होती है। मतलब वोडाफोन का नेट चलाता चलता ही नहीं एकदम, कुछ अपन डाउनलोड अपलोड वगैरह कुछ भी करते हैं तो बिल्कुल ही नेट है ना बिल्कुल ही ज्यादा स्लो चलता है। तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, आज की इस वीडियो के अंदर अगर आप इस वीडियो कंप्लीट देख ले तो और आप ढंग से एपीएन क्रिएट कर ले तो यार इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको कि यार जो आपका इंटरनेट है ना काफी ज्यादा जो है फास्ट चलने वाला है इस एपीएन सेटिंग से। तो वीडियो को जो है कंप्लीट देखना। और गाइस यार ये जो एपीएन है ना यार काफी मुश्किलों से मेरे को मिला है, क्योंकि यार कल मैं फिर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया इसी वजह से, क्योंकि यार इस एपीएन को मैंने कल टाइम बहुत ज्यादा टाइम दिया और अच्छे तरह से एपीएन को ट्राई करा फिर ही आपके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। और स्पीड प्रूफ भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर ही इस एपीएन से कि कितनी स्पीड मेरे को मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाना आपको बताइए, ठीक है, ये आ गई फिर अपनी मोबाइल की सेटिंग्स। इसके बाद यहाँ पर आता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक एक्सेस पॉइंट्स नेम दिखता है तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक सबसे पहले तो आप रिसेट कर देना, एक रिसेट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है पहले तो। तो ये रिसेट हो चुका है तो यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिख रहा है न्यू एपेन लिखा हुआ, तो इस पर आपको क्लिक करना है पहले दो, तो एक न्यू एपेन का जो फॉर्म है ना वो खुलकर आ जाता है। तो इसको अपन को फिलअप करना है, जैसे जैसे मैं बताऊँ आपको वैसे वैसे फिलअप करना है। आधा नेम, तो नेम में आपको करना है ठीक है BET, बीटा स्पेस NITE, ठीक है NITE स्पेस 90, ठीक है बीटा स्पेस NITE स्पेस 90, ठीक है। तो बीटा का बी कैपिटल और NITE का एन कैपिटल और स्पेस देखें 19, ओके पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर आता है अपना APN, तो APN में आपको करना है www, ठीक है, और ओके पर क्लिक कर देना। फिर आता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को नोट सेट, पोर्ट आता है पोर्ट को नोट सेट, यूजर नेम आता है तो यूजर नेम आपको करना है NITE, ठीक है .90, ठीक है सेम का सेम आपको ऐसा कर देना है NITE बिल्कुल कैपिटल लगना है और डॉट देके और 90 कर देना बिना स्पेस दिए और सब कैपिटल में, ठीक है। फिर ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है सर्वर, तो सर्वर में आपको क्लिक करके करना है www.google.com, ठीक है गूगल का जी कैपिटल और ऐसा आपको कर देना सेम का सेम, कुछ भी गलत मत करना, जो जो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। फिर ओके पर क्लिक कर देना। उसके बाद आता है MMSC, इसको नोट सेट, MMS प्रॉक्सी इसको भी नोट सेट, MMS पोर्ट इसको भी नोट सेट, MCC MNC इनको तो बिल्कुल मत छेड़ना, ये जो आपके एरिया का कोड रहता है तो यार अपने हिसाब से सिलेक्ट रहता है तो इसको मत छेड़ना। फिर आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, तो इसके अंदर आपको जाकर कर देना CHAP, ठीक है। फिर आता है APN टाइप, इसको नोट सेट, APN प्रोटोकॉल, इसमें IPv4 फ्लैश IPv6 सेलेक्ट करना है थर्ड नंबर वाला। APN रोमिंग प्रोटोकॉल आता है, फिर इसमें भी IPv4 फ्लैश IPv6 सेलेक्ट करना है थर्ड नंबर वाला। फिर आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बियरर, तो बियरर मैं आपको बता देता हूँ जो जो बियरर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अपना आता है LTE, HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA और स्क्रॉल करके नीचे आ जाना GPRS और 1XRTT, ठीक है ये वाले आपको सिलेक्ट करने बी आर आर, ठीक है देख लो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं पांच तो ये हो गए एंड एक ही होगा GPRS और एक ये 1XRTT, ठीक है
ये वाले आपको बियरस सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब मान लो अगर इतने सारे बियरस सेलेक्ट नहीं हो पा रहे आपके फ़ोन में, अगर सपोर्ट नहीं हो रहे, तो आपको एक सिंपली LTE को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है आपको। फिर आता है MVNO टाइप, तो इसको नोट सेट रहने देना। तो अपना जो ये APN है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब जो आके अपन को मोर पर जाकर सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना बन चुका है, तो ये देखो ऊपर में आपको दिख रहा है, तो इस पर मैं वेल तो क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर जो नेट है देख लो, नेट ऑन कर रहा हूँ, और इसकी आपको स्पीड दिखा देता हूँ कि यार कितनी फास्ट स्पीड मिल रही है मेरे को। सेपियंस आप खुद ही लाइव प्रूफ देख लेना, ठीक है। ये देख लो आप, स्पीड टेस्टर है, अभी अभी अपन ने APN क्रिएट करा है, आप खुद ही लाइव प्रूफ देख लेना। जितनी भी स्पीड मिल रही है मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गो का ऑप्शन आ चुका है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पर एक कनेक्टिंग हो रहा है अभी, तो फिर आपको स्पीड दिखा देगा। या आप लाइव देख लो यार, जो अपन ने APN क्रिएट करा है आप प्रूफ देख लो, जो भी स्पीड आ रही है आपको मैं दिखा रहा हूँ लाइव प्रूफ, ठीक है। आप देख सकते हो लाइव प्रूफ आपके सामने, एंड देख लो आप लाइव प्रूफ, काफी अच्छी स्पीड मिल रही है। और गाइजर आपको अपलोडिंग स्पीड देख लो, आप काफी ज्यादा है अपलोडिंग स्पीड डाउनलोडिंग स्पीड से। तो अगर आप पबजी या फ्री फायर वगैरह खेलते हो तो आपकी वर्क अच्छे तरीके से करेगा। आप इन वर्क पबजी या फ्री फायर कोई भी गेम वगैरह खेलते हो ऑनलाइन, तो उसमें भी अच्छी तरह वर्क करेगा, क्योंकि अपलोडिंग जो स्पीड है ना काफी अच्छी आ रही है। और गाइज यार इस समय पर हमारी यहाँ पर जो स्पीड है ना काफी ज्यादा स्लो आती है, फिर भी यार यहाँ पर इतनी फास्ट स्पीड अपन को ये APN दे रहा है। तो ऑब्वियसली गाइज यार आपकी पास तो यार इससे भी बढ़िया स्पीड आएगी, इतनी मेरी गारंटी, स्पीड तो बढ़ी जाएगी यार, काफी अच्छी स्पीड आपको इस APN से देखने को मिलेगी। तो इसी बात से यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लो यार, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अच्छा अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ यार मैं, फटाफट तो यार सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर जरूर से करना आपके फ्रेंड्स हो में यार, जिनको दिक्कत आ रही हो तो फ्रेंड्स में शेयर करा करो वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर से। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए डाउट आए तो मुझे कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।